बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। तो आज मैं आपको जो है ना पिज़्ज़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ, चिकन मशरूम पिज़्ज़ा। आपको मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं अपने चैनल पर आपको इस तरह की रेसिपीज़ बताती हूँ जो कि आपको देखने में लग रहा होता है, दूसरों की रेसिपीज़ देख के लग रहा होता है कि बड़ा लंबा चौड़ा और बड़ा कोई मुश्किल किस्म का काम है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ आपको वो तरीके बताऊँगी और इसमें आपको हर चीज़ घर के सामान से, किचन से ही आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगी इसकी डो। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा डो बनाना, लेकिन मैं अब फिर बता रही हूँ। डो बनाने के लिए इंस्टेंट ईस्ट का मैंने एक पैकेट लिया है, ठीक है। उसके अलावा 1 टीस्पून के करीब ड्राई मिल्क लिया है, खुश्क दूध कोई सा भी आप इस्तेमाल कर लें। टेबलस्पून के करीब मैंने चीनी ली है, ½ टेबलस्पून के करीब नमक, 2 टेबलस्पून दही। ये वाले कप मेजर करके मैं 2.5 कप जो है वो नापूंगी, ठीक है, और इसको छान लूँगी। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़, नीम गर्म पानी चाहिए होगा जिसके अंदर हमारी उंगली जो है डिप हो सके। ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से डो बनाती हूँ, जो कि बहुत ही आसान सा तरीका है। अब ये देख सकते होंगे सारी चीज़ें जो है हमें घर से ही मिल जाती हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई, इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी ऐड करेंगे। एक कप मैंने पहले छाना है, ये दूसरा कप छान रही हूँ। और बाकी का ½ कप ये जाएगा इसमें। अब इसमें नमक ऐड करूँगी, चीनी ऐड कर दूँगी, ड्राई मिल्क आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इससे ये कि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मिल्की मिल्की सा। अच्छा, कुकिंग ऑयल भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये वही आम कुकिंग ऑयल है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का। 3 टेबलस्पून ऑयल के चले गए। अब इसमें चला गया ये दही, ये 1 टेबलस्पून के करीब ही इसमें होता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी मैं। इंस्टेंट ईस्ट जो होती है वो पानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो आप सीधा सीधा मैदे में मिक्स कर देते हैं। अब नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी। ठीक है, ये इसी तरह से स्टिकी सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए डो जो है। हाँ जी, ये देखें डो जो है चिपकना बंद हो गई है, यानी कि अच्छे से तैयार हो गई है हमारी। आप कोई एयर टाइट बाउल ले लें, उसको ऑयल के साथ ग्रीस करें। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। डो को भी अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। और ऊपर हर तरफ इसको ऑयल लगा दें, क्योंकि ये ऊपर से ड्राई नहीं होना चाहिए। अब चूँकि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में ज़रा टाइम लेती है डो फूलने में, ठीक है। इसलिए मैं इसे ऐसी जगह पे रखूँगी या किसी कंबल वगैरह में लपेट दूँगी या ओवन में रख दूँगी ताकि ये हीट अप हो जाए और फूल जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। और गर्मियों में तो आधा घंटा 15 मिनट के अंदर फूल जाती है अच्छे तरीके से। अब ये कि डो के फूलने के बाद मिलते हैं, मे भी इसे 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो लग जाएँ। तो डो के बाद बाकी का काम अपना स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारी डो जो है वो राइज़ होती है तब तक हम चिकन की मैरिनेशन और इसकी कुकिंग का काम जो है ना वो कर लेते हैं। चिकन जो है वो बोनलेस जो चिकन और छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में इसको मैंने कटिंग कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस, टेबलस्पून के करीब सिरका और टीस्पून के करीब ही इसमें जाएगा हॉट सॉस या चिली सॉस, ठीक है। उसके अलावा इसमें जाएगी काली मिर्च जाएगी, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब लिया है। हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, नमक टेस्ट के मुताबिक। क्योंकि हम इसको चिकन टिक्का के बनाना चाह रहे हैं इसलिए चिकन टिक्का मसाला वो तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब। चिली फ्लेक्स जो कि क्रश की हुई कुटी हुई मिर्ची होती हैं वो मैंने ली हैं 1 टेबलस्पून के करीब, जिसमें से कुछ इस पर जाएंगी कुछ पिज़्ज़ा के ऊपर गार्निश के लिए जाएंगी। उसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दही लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को चिकन के अंदर, चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बाज़ार से बोनलेस चिकन जो है वो थोड़ा महंगे रेट में आता है, वैसे भी आजकल चिकन बहुत महंगा हुआ है। आप ऐसा करें हड्डी वाला गोश्त लाकर उसमें से आप क्या चिकन अलग से कर लें और बाकी जो उसकी आप यखनी वगैरह बनाकर तो उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ के पैसों में डबल मज़ा। ये देखें अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर दें, ठीक हो गया। अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड किया है। कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं आप सारी मैरिनेशन जो है चिकन की इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ कर लें। पानी वगैरह इसमें हम ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। ये देखें पानी हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया था, चिकन ने अपना पानी जो है वो छोड़ा है। अब इसी पानी के अंदर जो है ना इसको हम अच्छे से कुक करेंगे और उसके बाद फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से फ्राई बोल दिया। चिकन जो है वो गल चुका है और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भून लिया है मैंने। ये देखें, ये देखें, ये गल चुका है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और सब्जियों की जो है उसमें सब्जियां ऐड होनी है उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अब मैंने, जब तक हमारी डो को अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैंने सब्जियों की कटिंग कर ली थी। सब्जियों में मैंने 1 टमाटर लिया है, उसको भी क्यूब में कटिंग कर लिया है। इसके अंदर से गुदा जो होता है, इसके सीड्स जो होते हैं वो अलग कर दिए मैंने। उसके अलावा प्याज लिया है मैंने दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर दिया है। 1 अदद शिमला मिर्च ली है, उसको भी क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है। कटिंग आप सब्जियों की अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें, लंबी चौड़ी जैसे चाहें आप लोग कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने चीज़ ली है, ठीक है, ये क्रश करके ऊपर जाएगी। चिली फ्लेक्स लिए हैं, क्रश चिली जो होती है कुटी हुई मिर्चें वो ली हैं। और मशरूम, क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन मशरूम पिज़्ज़ा, तो इसके लिए मशरूम जो थे वो ज़रूरी थे बहुत, तो मशरूम लिए हैं। इनकी मैं कटिंग करके तो फिर इसको पिज़्ज़ा के ऊपर डालूँगी। मशरूम जो है उसकी मैं कटिंग करके तो फिर उसमें ऐड करूँगी। मशरूम जो है अक्सर सोच रहे होते हैं हम लोग के पता नहीं कहाँ से मिलेगी क्या है, ये आपको किसी भी स्टोर से जो है ना वो आपको मिल जाएगी। और 3 पैक में ये होती है, तो मैंने 3 पैक से निकाल कर इसके अंदर मैंने डाली है। 3 पैक से निकाल के तो ये तकरीबन 200 के राउंड अबाउट आपको जो है ना मिल जाएगी इजीली किसी भी स्टोर से। हाँ जी, अब देख लेते हैं डो को। हाँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त डो हमारी तैयार हो चुकी है। डो के एक बराबर के मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं, बड़े बड़े से इसके बना लिए बॉल। और जिसमें मैंने बनाना है, पैन मेरे पास नहीं था, पैन इसके ऊपर स्टील का या सिल्वर का कोई भी आप ढक्कन ले लें। अगर पैन ना हो आपके पास तो आप उसके ऊपर उसको ऑयल से ग्रीस कर दें और फिर उसके ऊपर उसी साइज़ का उसको फैला दें पेड़े को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के साइज़ का आप इस डो का जो पेड़ा है उसको फैला दें, ठीक है। उसके बाद किनारे अगर आप अपनी मर्ज़ी से पतले या मोटे जैसे रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। फिर फोक की मदद से इसके ऊपर इस तरह से हम लोग निशान लगा देंगे। इससे ये फूलेगा नहीं। पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो लगा लें, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो ऊपर केचप यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को पिज़्ज़ा सॉस नहीं भी पसंद वो भी केचप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको फैला दिया। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ क्रश करके डालूंगी। हाँ जी, थोड़ी सी चीज़ डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च लगाऊंगी। सब्जियां पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आप लोग अपनी पसंद से उनकी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इस पे मशरूम लगाऊंगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, ऊपर से फिर मैं चीज़ की टॉपिंग कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, पिज़्ज़े की टॉपिंग माशाल्लाह से हो चुकी है, तो बहुत ज़बरदस्त लुक अभी से लग रही है इसकी। तो अब चलते हैं ओवन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने बजरी लेकर, ठीक है, एक पुराने देगचे के अंदर मैंने बजरी डाली है और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये लोहे का स्टैंड रख दिया, ठीक है। और इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छा माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा रखूँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, और इसको कर दूँगी बंद। तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी और उसके बाद मैं आग हल्की कर दूँगी। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका होगा। हाँ जी, पिज़्ज़ा देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। इसमें से बड़ी एहतियात के साथ निकालना है क्योंकि बहुत गर्म साइडें इसकी हुई होती हैं। तो फिर मैं आपको ये बाहर निकाल के तो फिर दिखाती हूँ। मज़ेदार सा चिकन मशरूम पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। बड़ी अच्छी माशाल्लाह से इसकी लुक आई है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसको प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है ये माशाल्लाह से। और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।